Hello children, how are you? You are highly welcome on the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you second chapter of science of class 4th. And your fourth chapter is different types of plants. Okay? Different types of plants means hota hai alag alag prakar ke paudhe. All the plants around us have different shape and size. हमारे चारों तरफ जो आपको पेड़ पौधे दिखते हैं उनके आकार, उनकी बनावट, उनके कलर सब अलग अलग होते हैं. प्लांट्स कैन बी फाउंड ऑन माउंटेन, डीप ओशियन, हॉट एंड कोल्ड एरियाज एंड ड्राई एंड ह्यूमिड एरियाज. प्लांट्स जो पौधे हैं कैन बी फाउंड ये पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन है, पहाड़ आप जानते हो, डीप ओशियन गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड या ठंडे और गर्म प्रदेश में या गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, ड्राई और ह्यूमिड यानी शुष्क और यानी कि सूखे और उमस वाले एरिया में भी पाए जाते हैं. डिफरेंट प्लेसेज है डिफरेंट लैंड एंड क्लाइमेट. अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की जमीन है, लैंड है, भूमि है एंड क्लाइमेट और जलवायु है. आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. सो द प्लांट्स एट डिफरेंट प्लेसेज टू, इसलिए अलग अलग तरीके के पौधे अलग अलग जगहों पर भी होते हैं, आर डिफरेंट वो अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू कैटेगरीज. पौधों जो आपके पौधे हैं ये इन पौधों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है. नंबर एक आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, नंबर दो आता है एक्वाटिक प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट में आता है प्लांट ग्रोइंग ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो पौधा जमीन पर उगता है उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लांट टू कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकल क्लाइमेट. ये जो जमीन पर पौधे उगते हैं इनको भी अलग अलग क्षेत्रों में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बांटा जाता है. नंबर एक में है ट्री इन प्लेन, जो आपके पेड़ होते हैं मैदानी एरिया में. इन द प्लेन्स यानी मैदान में वे जनरली फाउंड मैंगो. हम लोगों को सामान्य रूप से कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? नंबर एक मैंगो, पीपल, बनियान, शीशम, नीम एंड गुलमोहर ट्रीज. हमको उम्मीद है कि सबको इन बच्चों के सब बच्चों को इन पेड़ों के नाम और शायद पहचानते भी होंगे नाम से भी और देख करके भी. ठीक है ना. दे ट्रंक आर सॉलिड एंड स्ट्रांग. इनके जो ट्रंक होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो मजबूत होते हैं. ठीक है, ज़्यादा मजबूत होते हैं. दे हैव मोर ऑफ ब्रांचेज, इनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. आर बिग इन साइज, जो कि बड़े साइज में होती हैं, यानी ठीक है इनकी ये मजबूत भी होते हैं, इनकी ब्रांचेज भी ज़्यादा होती हैं. ठीक है. ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, और इस कारण इसमें ढेर सारी पत्तियाँ भी होती हैं. दे प्रोवाइड ए डेंस शेड इन समर, और जो गर्मियों में घनापन यानी कि छाया प्रदान करती हैं. द लीव्स आर शेड इन विंटर. ठीक है, और जाड़े में पत्तियाँ गिर जाती हैं. ठीक है. डू यू नो, क्या आपको पता है? द टी प्लांट इज ग्रोन ऑन द हिली स्लोप इन इंडिया. आपको पता है जो आप लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, पता है ना आप लोगों को, वो जो चाय है वो कहाँ पर होती है यानी कि कहाँ पर उगाई जाती है? ये स्लोप एरिया पे उगाई जाती है. और स्लोप एरिया भारत में कहाँ है? दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स आर फेमस फॉर टी. ये दार्जिलिंग और नीलगिरी ये दोनों जगह चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है. ठीक है.
ट्री इन माउंटेन रीजन, और कहता है ये तो प्लेन जो पहले बताया गया था ट्री इन प्लेन, यानी कि जो पेड़ पर मैदानी क्षेत्र में है, और अब ये बताया जा रहा है कि ट्री इन माउंटेन्स रीजन। ट्री जो है मैदानी क्षेत्र का तो हो गया, अब पहाड़ी क्षेत्र में एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन प्रिवेल ऑन द माउंटेन। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडी में जो प्रिवेल ऑन द माउंटेन, जो कि पहाड़ियों पर होता है, जैसे कि कॉनिफेरस ट्री, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आर फाउंड हेयर, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज हैव नीडल लाइक लीव, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं, यानी तिकोनी होती हैं, आगे नुकीलीदार होती हैं। देयर ब्रांचेज आर शेप लाइक ए स्लोप, और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं इसके जो वो स्लोप होते हैं, यानी कि ढलवा होते हैं। सो दैट, वो इसलिए होते हैं द स्नो स्लाइड डाउन, जिससे कि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उस पर ना रुके और वो नीचे स्लिप कर जाए। द ट्रंक ऑफ ट्रीज, जो इसके ट्रंक होते हैं यानी कि इसका जो बड़ा पेड़ होता है, आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट, वो बहुत लंबा और सीधा होता है, ठीक है ना। इसका जो पेड़ होता है वो बहुत सीधा और बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रीज आर देवदार, फिर स्प्राउस, सेदार, ईटीसी। ये उदाहरण के तौर पे हैं, देवदार हैं, फिर हैं, स्प्राउस, सेदार हैं, ईटीसी, ये सब चीज़ें। इस सब प्रकार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन में पाए जाते हैं।